नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है, जहां पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हर कोई कोरोना योद्धा बनकर लोगों की सहायता कर रहा है। वहीं हल्द्वानी शहर में महंगाई और कालाबाजारी वालों की बल्ले बल्ले हो रही है। जिस प्रकार से महंगाई को रोकने के लिए जिला प्रशासन की कई टीमें बनाई गई हैं और कई दल तैयार किए गए हैं, जो महंगाई को रोकने के लिए नाकामयाब साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी शहर में सब्जी वालों ने महंगाई चरम सीमा पर कर दी है। जो रेट बड़ी मंडी से उनको सब्जी मिलती है, उसके 80% वह लोग बढ़ाकर लोगों को दे रहे हैं। मजबूरी के कारण लोग महंगी सब्जी खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठा है। जिस प्रकार से मंडी परिषद द्वारा सब्जियों के भाव तय कर रखे हैं, वही फुटकर विक्रेताओं ने अपनी मनमानी के चलते महंगे दामों में सब्जी बेच रहे हैं। वहीं अपर जिला अधिकारी कैलाश चंदोलिया का कहना है कि आपके द्वारा हमको पता चला है कि सब्जी महंगी बेची जा रही है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हल्द्वानी में राशन और सब्जियां महंगी हो रही है, लॉकडाउन के चलते लोग घबराकर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे दुकानदार उन लोगों का फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। कुछ दुकानदार लोग जो है कुछ ज्यादा मूल्य पर जो है सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, और इसमें जो है कल जो है मेरे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। नया आलू कम से 14 रुपये बिका था, नासिक प्याज 13 रुपये बिकी थी, यहाँ पे ये लोग 25 रुपये बेच रहे, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। खीरा आपका कम से कम 30 रुपये कट्टा बिका था 40 किलो का, जबकि वो 2 रुपये 1.5 रुपये किलो पड़ रहा है, यहाँ पे ये लोग 15-20-40 रुपये बेच रहे हैं। मैंने कितनी बार DSO से कह दिया।